हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम 11th क्लास का लेसन 3rd पढ़ रहे हैं, जो है समानता। पिछले वाले वीडियो में हमने समानता के बारे में कुछ पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे समानता क्या है। आप अब तक इसके जो ये नई बुक है, नई तो क्या पुरानी है, राजनीतिक सिद्धांत, इस पुस्तक के आप 2 लेसन पढ़ चुके हैं, तीसरा आप पढ़ रहे हैं। और जो एक और जो बुक है आपकी, भारतीय संविधान और विचार, भारतीय विचारधारा के नाम से, उसके आप अब तक 5 लेसन पढ़ चुके हैं, इसके आप तीसरा आज पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। समानता क्या है, इन चित्रों पर एक बार नज़र डालें, देखो ये क्या क्या कहते हैं। श्वेत लोगों की बैठने की जगह पिछवाड़े में प्रवेश नहीं, कुत्तों के लिए निग्रो और मेक्सिको वासियों के लिए प्रवेश नहीं। पीने का पानी श्वेत लोगों के लिए अलग है और अश्वेत लोगों के लिए। विश्राम गृह जो है वो भी केवल श्वेतों के लिए है, यानी कि जो केवल गोरे लोग हैं उनके लिए विश्राम गृह बनाए गए हैं, अश्वेतों के लिए नहीं है। इन फोटोग्राफ से आप देख सकते हैं, ये चित्र मनुष्य के बीच नस्ल और रंग के आधार पर भेदभाव की ओर संकेत करती है। इसमें ये हम में से अधिकांश को स्वीकार्य है। वास्तव में इस तरीके के भेदभाव के हमारे आत्मबोध का उल्लंघन करता है। समानता का हमारा आत्मबोध कहता है कि साझी मानवता के कारण सभी मनुष्य बराबर, समान और परवाह के हकदार है। हालांकि लोगों से बराबर सम्मान का व्यवहार करने का मतलब जरूरी नहीं है कि वे हमेशा एक जैसा व्यवहार करना भी हो। कोई भी समाज अपने सदस्यों के साथ किसी भी स्थिति में पूर्णतः एक समान व्यवहार नहीं करता है। समाज के महज कार्य व्यापार के लिए कार्य का विभाजन जरूरी है। अलग अलग काम अलग अलग लोगों को महत्व और लाभ का भी अलग अलग महत्व है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री या सेना के जनरल विशेष सरकारी दर्जा सम्मान देना हमें तब समानता की अवधारणा के विपरीत नहीं लगता है जब तक इसका दुरुपयोग न हो। लेकिन कुछ अलग किस्म की समानताएं अन्यायपूर्ण लगती है। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी विशेषताएं और विभेद किए जाने लायक हैं और कौन से नहीं। कई बार लोगों से अलग तरीके का बर्ताव इसलिए किया जाता है कि उनका जन्म किसी खास धर्म, नस्ल जाति या लिंग में हुआ है। हम असमानता के इन आधारों को स्वीकार करते हैं, लेकिन लोगों की आकांक्षाएं और लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं और हो सकता है कि सभी को समान सफलता न मिले। अगर वे अपने अंदर छुपी हुई संभावनाओं को विकसित करने में सक्षम है तो ऐसा महसूस नहीं होगा कि समानता खतरे में है। कुछ लोग अच्छे संगीतकार हो सकते हैं जबकि कुछ नहीं। कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन सकते हैं जबकि कुछ और अपने कड़े परिश्रम या चेतना के लिए विख्यात हो सकते हैं। समानता के लिए आदर्श से जुड़ी होने का मतलब ये नहीं है कि सभी तरीके के अंतरों का उन्मूलन किया जाए। इनका मतलब केवल उन हमसे व्यवहार जो किया जा रहा है और जो हमें भी अवसर प्राप्त है, वे जन्म या सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारण नहीं होने चाहिए। अवसरों की समानता, अवसर क्या होते हैं, अवसरों की समानता किस प्रकार से अवसर की समानता की गई है। समानता की अवधारणा में यह बात निहित है कि सभी मनुष्य अपनी दक्षता और प्रतिभा को विकसित करने के लिए तथा अपने लक्ष्य और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समान अधिकार और अवसरों के हकदार है। इसका आशय है कि समाज में लोग अपनी पसंद और प्राथमिकता के मामले में अलग हो सकते हैं, उनकी प्रतिभा और योग्यता में अंतर हो सकता है। इस कारण से भी कुछ लोग अपने चुने हुए क्षेत्रों में बाकी लोगों से ज़्यादा सफल हो जाए। लेकिन केवल इसलिए नहीं कि कोई क्रिकेट के पहले पायदान पर पहुंच गया है या कोई उससे सफल वकील बन गया, जबकि समाज में असमान नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में सामाजिक दर्जा, संपत्ति या विशेषाधिकार या समानता के अभाव का होना नहीं है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित आवास जैसी बुनियादी चीज़ों की उपलब्धता में असमानता से कोई समाज समान और अन्यायपूर्ण बनता है। अवसरों की समानता का मतलब यह है कि सभी लोगों को
जो भी राज्य के जो अवसर है उन राज्य के अवसरों में सभी लोगों को समान रूप से जाने का अधिकार हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, अवसरों की समानता कहते हैं। अवसरों की समानता का उल्लेख भारतीय संविधान में भी किया गया, अनुच्छेद 16 के तहत राज्य सभी लोगों को रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराएगा। यहाँ रोजगार में अवसर की बात की गई है, अवसर की जो बात है वो सभी तरीके से हो सकती है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे किसी तरीके से हो, लोगों को समान रूप से सभी अवसरों में जाने का अधिकार प्राप्त है। तो ये थी अवसरों की समानता। बात करते हैं प्राकृतिक और सामाजिक असमानता है। राजनीतिक सिद्धांत में प्राकृतिक असमानता और समाज जनित असमानता में अंतर किया जाता है। प्राकृतिक असमानताएँ लोगों में उनकी भिन्नताएँ, क्षमताएँ और प्रतिभा से अलग अलग चयन के कारण पैदा होती है। समाज जनित असमानता वह होती है जो समाज में अलग अवसरों की असमानता होने या किसी समूह का दूसरे के द्वारा शोषण किए जाने से पैदा होती है। प्राकृतिक असमानता लोगों की जन्मगत विशिष्टताओं और योग्यताओं का परिणाम मानी जाती है। आमतौर पर यह मान लिया जाता है कि प्राकृतिक विषमताओं को बदला नहीं जा सकता। दूसरी ओर वे सामाजिक असमानताएँ हैं जिन्हें समाज में पैदा किया जाता है। उदाहरण के लिए समाज बौद्धिक काम करने वाले लोगों को शारीरिक कार्य करने वाले लोगों को अधिक महत्व देता है और उन्हें अलग तरीके से लाभ देता है। ये विभिन्न वंश, रंग और जाति के लोगों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं। इस तरीके के भेदभाव में समाज के मूल्य प्रतिबिंब होंगे और इसे कुछ ही निश्चित रूप से अनुचित लगता है। देखिए, ये डायग्राम देखिए, पुरुष स्त्रियों से बढ़कर है, ये केवल प्राकृतिक असमानता है। ये प्राकृतिक असमानता है क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों क्या प्राकृतिक रूप से अलग है। जेंडर के आधार पर आप इस संबंध में कुछ नहीं कर सकते। मेरे हर विषय में तुमसे ज़्यादा अंक आते हैं। मैं घर के काम में माँ के साथ हाथ भी बटाती हूँ, तुम से बढ़कर मैं कैसे हूँ। देखो, ये भी सही बात है। ये लड़की जो कह रही है ज़्यादा अंक प्राप्त करती है, तो ये प्राकृतिक असमानता तो है ही, लेकिन इसमें बौद्धिक समानता इसे ज़्यादा है, बौद्धिक क्षमता इसमें ज़्यादा है, तो ये क्या है, असमानता को व्यक्त नहीं करता है। प्राकृतिक और समाज मूलक असमानता में फ़र्क करना इसलिए भी उपयोगी हो जाता है कि इससे स्वीकार किए जा सकने लायक और न्यायपूर्ण असमानता को अलग अलग करने में मदद मिलती है। लेकिन दो तरीके की असमानता में फ़र्क हमेशा साफ और अपने आप स्पष्ट नहीं होता है। उदाहरण के लिए, जब लोगों के बर्ताव में कुछ असमानताएँ लंबे काल तक विद्यमान रहती है, तब वे हमें मनुष्य की प्राकृतिक विषमताओं पर आधारित लगने लगती है। ऐसा लगने लगता है कि जैसे वे जनजात हो और आसानी से बदले नहीं जा सकती। उदाहरण के लिए, औरतें अनादि काल से अबला कही जाती थी। उन्हें भीरू एवं पुरुषों से कम बुद्धि वाला माना जाता था। यानी भीरू यानी कि जो से कम बुद्धि वाला, जिसकी बुद्धि नहीं है या कमज़ोर बुद्धि वाला, जिन्हें विशेष संरक्षण की जरूरत थी। इसीलिए यह मान लिया गया कि औरतों को समान अधिकार से वंचित करना न्यायसंगत है। अफ्रीका में काले लोगों उनके औपनिवेशिक शासकों द्वारा कम बुद्धि वाले निरे यानी कि जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं, कमज़ोर मानसिकता वाले, बच्चे और महज शारीरिक श्रम, खेल कूद और संगीत से बेहतर माने गए हैं। यह उदाहरण दास प्रथा जैसी संस्थाओं को न्यायोचित ठहराने में उपयुक्त हुई है। ऐसे सभी मानकों और मूल्यांकनों पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्हें प्राकृतिक लक्षणों के आधार पर मानने से जनता की शक्ति और राष्ट्र की शक्ति के बीच में फर्क प्रतिबिंबित माना जाता है। प्राकृतिक विशिष्टता की अवधारणा से एक और समस्या उत्पन्न होती है, वह यह है कि प्राकृतिक मानी जाने वाली कुछ असमानताएँ अपरिवर्तनीय नहीं रही है। उदाहरण के लिए, चिकित्सा विज्ञान, तकनीकी प्रकृति ने विकलांग व्यक्तियों को समाज में प्रभावी ढंग से काम करना संभव बना दिया है। आज कंप्यूटर नेत्रहीन लोगों की मदद करते हैं। पहियादार कुर्सी और कृत्रिम पाँव शारीरिक अक्षमताओं के निराकरण में सहायक हुए हैं। यहाँ तक कि कॉस्मेटिक सर्जरी से किसी व्यक्ति की शक्ल सूरत भी बदली जा सकती है। प्रसिद्ध भौतिकविद स्टीफन हॉकिंग शायद ही चल या बोल सकते थे, फिर उन्हें
पर उन्हें विज्ञान का बड़ा योगदान दिया। फिर भी उन्होंने विज्ञान में बड़ा योगदान दिया। सर स्टीफन हॉकिंग का नाम आपने सुना था, ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें कम उम्र में लकवा हो गया था और ये इनकी बॉडी पूरी तरीके से पैरालाइज हो गई थी, यानी कि ये न तो उठ सकते थे, न चल सकते थे, न फिर सकते थे, किसी प्रकार से कोई कार्य नहीं कर सकते। हाल ही भी 2018 में इनका देहांत हो गया है, स्टीफन हॉकिंग्स का। ये इनका केवल सिर, यानी कि इनका जो हेड है, इनकी गर्दन वाला ऊपर गर्दन और जो मस्तिष्क है वही इनका हिस्सा काम करता था, बाकी जो इनका शरीर था पूरी तरीके से क्या था, निष्क्रिय था, किसी भी रूप से ये कार्य नहीं कर पाते थे स्टीफन हॉकिंग्स। फिर भी इन्होंने अपने केवल मस्तिष्क के योगदान से विज्ञान में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। आज अगर विकलांग लोगों को उनकी विकलांगता से उभरने के लिए जरूरी मदद और उनके कामों के लिए उचित प्रारंभिक देने से इस आधार पर इनकार कर दिया जाए कि प्राकृतिक रूप से वे अक्षम थे, तो यह अधिकार लोगों को अन्यायपूर्ण लगेगा। देखिए, अगर स्टीफन हॉकिंग्स को ये कहकर स्वीकार कर दिया जाए कि स्टीफन हॉकिंग्स तो क्या थे, विकलांग थे, बेकार थे, कुछ नहीं थे, क्या करने थे, अगर उनके योगदान को अगर समाज नहीं स्वीकार करेगा तो ऐसे में क्या है, ये अन्याय होगा या अन्यायपूर्ण होगा। तो विकलांगता या शारीरिक अक्षमता, प्राकृतिक दोष, ये सब क्या है, ये समानता के बीच में फ़र्क लाने में काम करते हैं। इन सब जटिलताओं के कारण प्राकृतिक और सामाजिक असमानताओं के बीच के फर्क को किसी समाज के कानून और नीतियों का निर्धारण करने के लिए मापदंड के तौर पर उपयोग करना कठिन है। इसी कारण से बहुत से सिद्धांतकार अपने चयन से पैदा होने वाली अक्षमताओं और व्यक्तियों के, विशेषकर परिवार और परिस्थितियों में जन्म लेने से हुई परिस्थितियों असमानताओं फर्क करते हैं। दूसरी तरह की असमानता ही समानता के पक्ष लोगों के परोपकार का स्रोत है। वे चाहते हैं कि परिवेश में जन्मी असमानता को न्यूनतम और समाप्त कर दिया जाए। असमानता के आयाम कौन कौन से हो सकते हैं, समानता के आयाम। देखिए, हमने इस सवाल पर विचार किया है कि किस प्रकार की सामाजिक अंतर स्वीकार किए जा सकते हैं। इस पर विचार करने के लिए हमने ये सोचने की ज़रूरत है कि समानता के वे कौन कौन से आयाम हैं जिन्हें हम पाना चाहते हैं। समाज में व्याप्त अलग अलग तरीके की असमानता को पहचानते समय विभिन्न विचारकों और विचारधाराओं ने समता के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीन आयामों को रेखांकित किया है। समानता के इन तीनों आयामों को लक्ष्य करते हुए एक अधिक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज की ओर बढ़ा दिया है। अब बात करते हैं राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता क्या होती है? लोकतांत्रिक समाजों में आमतौर पर सभी सदस्यों को समान नागरिकता प्रदान करना राजनीतिक समानता में शामिल किया गया है। आप नागरिकता के अध्याय में पढ़ेंगे कि समान नागरिकता अपने साथ कुछ मूल अधिकार, मसलन मताधिकार का अधिकार, मतदान का अधिकार, कहीं भी आने जाने, संगठन बनाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक विश्वास की आज़ादी लाती है। देखिए, केवल नागरिकता लेने से कि नागरिकता जिसको प्राप्त हो जाती है तो नागरिकता के साथ में उसे केवल नागरिकता ही नहीं मिलती है, उसे उसके साथ साथ उसको क्या क्या प्राप्त होता है, उसे अभिव्यक्ति की आज़ादी प्राप्त होती है, उसे कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी प्राप्त होती है, मौलिक अधिकार उसको मिल जाते हैं, वह संगठन बनाने, संघ बनाने, विदेश में जाने, सारे अधिकार उसे प्राप्त हो जाते हैं। ये ऐसे अधिकार हैं जो नागरिकों को अपना विकास करने और राज्य के काम काजों में हिस्सा लेने के लिए सक्षम बनाने के लिए आवश्यक माने जाते हैं, लेकिन ये केवल औपचारिक अधिकार है। इन्हें औपचारिक संविधान और कानूनों द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हम ये जानते हैं कि सभी नागरिकों को समान अधिकार देने वाले देशों में काफ़ी असमानता बरकरार है। ऐसी असमानताएँ अमूमन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में नागरिकों को उपलब्ध संसाधनों और अवसरों की भिन्नता का परिणाम होती है। इसलिए अक्सर समान अवसर या मुकाबले के लिए एक समान स्थितियों की मांग उठती है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि राजनीतिक समानता न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज के गठन के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन यह अपने आप में पर्याप्त नहीं होती है। सामाजिक समानता क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता अपनी पूरी राजनीतिक समानता में नागरिकता प्राप्त करना है। नागरिकता जिस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है तो व्यक्ति क्या है,
उस देश का, उस देश के जो मौलिक अधिकार, उस देश के जो भी कार्य हैं उन कार्यों में वो भाग लेने का अधिकार रखता है। तो राजनीतिक समानता आपने पढ़ी, अब बात करते हैं सामाजिक समानता। राजनीतिक समानता या समान कानूनी अधिकार देना इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम है, जिनके साथ अवसरों की समानता देना भी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक समानता की जरूरत उन बाधाओं को दूर करने में है जिन्हें दूर किए बिना लोगों का सरकार में अपनी बात रखने या उन पर और उपलब्ध संसाधनों पर पहुँचने पर संभव नहीं होगा। समानता का उद्देश्य लोगों की आवश्यकता भी यह भी है कि विभिन्न समूह या समुदाय के लोगों के पास संसाधनों और अवसरों को पाने के लिए बराबर और उचित मौका हो। इसके लिए जरूरी है कि सामाजिक और आर्थिक असमानता को के प्रभावी और नियंत्रण किया जाए। समाज के सभी सदस्यों के जीवन यापन के लिए अन्य चीज़ों के अतिरिक्त पर्याप्त स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा पाने का अधिकार, उचित पोषक आहार, न्यूनतम वेतन जैसी कई चीज़ों को गारंटी के तहत जरूरी माना गया है। इन सुविधाओं के अभाव में समाज के सभी सदस्य के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। जिस समाज में अवसरों की असमानता विद्यमान न हो, वहाँ केवल अंतर्निहित प्रतिभा का विशाल खजाना बर्बाद हो जाता है। भारत में समान अवसरों के मद्देनज़र एक विशेष सुविधा की कमी की वजह से नहीं बल्कि कुछ सामाजिक रीति रिवाज के सामने से आती है। देश के विभिन्न हिस्सों में औरतों को उत्तराधिकार का समान अधिकार नहीं मिलता है। कुछ एक गतिविधियों में उनको शामिल करने पर पाबंदी है और उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने में हतोत्साहित किया जाता है। ऐसे मामले में राज्य का महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि औरतों को समान कानूनी अधिकार प्राप्त करवाए। सार्वजनिक स्थलों और रोजगार में भेदभाव और परेशानी से बचने वाली नीतियाँ बनाना और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए उन्हें प्रोत्साहन करना, ये सभी इस प्रकार से आप देख सकें ये क्या है, सामाजिक समानता लाने के लिए सरकार प्रयासरत है। तो आपने इस वीडियो में समानता जो थी, समानता के राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, इसके बारे में जाना, समानता क्या होती है, ये सब आप इसके प्रकार पढ़ रहे हैं। तो अब हम अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे जो आर्थिक समानता है। आर्थिक समानता के बाद में आप पढ़ेंगे शिक्षा में असमानता किस तरीके से है, वो सभी आप पढ़ेंगे। फिर अगले वाले, फिर इसी वीडियो में आप पढ़ेंगे जो समानता के जो कौन कौन से भाग है, नारीवाद है, ये सभी आप अगले वाले वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आज आपने समानता जाना, समानता क्या होती है, ये सभी आप इस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अगले वाले वीडियो में हम आर्थिक समानता और नारीवाद के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।